नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। दर्शकों, हम लाए हैं आपके लिए अल्फाबेटिकली यानी कि नाम अक्षर के आधार पर आपका वार्षिक राशिफल। अगर आपके पास अपनी जन्म तिथि नहीं है, जन्म पत्री भी नहीं है, जन्म कुंडली भी नहीं है, तो आप केवल अपने बोलते नाम से ये जान सकते हैं कि आपके लिए 2024 कैसा रहेगा, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन और कितना पैसा इस वर्ष में आपके पास आएगा, ये भी आपको जानकारी देंगे। तो पूरी सीरीज ए टू जेड तक देखना ना भूले, सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अक्षर नाम से जानिए अपना भविष्य। शनि का साल 2024 कैसा रहेगा, 2024 में मिलेंगे तरक्की के कितने मौके, कमाई के जुटेंगे कितने साधन, 2024 में भाग्य का मिलेगा कितना साथ, पूरे साल रहेगा किस ग्रह का प्रभाव, धर्म ज्ञान पर देखिए अल्फाबेट प्रिडिक्शन 2024। नमस्कार, अल्फाबेटिकल प्रिडिक्शन 2024 में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। न्यू ईयर में बस समय तो बिल्कुल नहीं है, 2024 यानी कि नया साल आपके जीवन में कितने नए परिवर्तन लेकर आ रहा है, ये जानने के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए अल्फाबेटिकली प्रेडिक्शन। आज हम बात कर रहे हैं जिन लोगों का नाम एल से और जिन लोगों का नाम ओ से, यानी कि एल और ओ अल्फाबेट से जिन लोगों का नाम शुरू होता है, इन अक्षर वाले लोग जितने भी हैं उनके लिए 2024 में खास क्या है, 2024 में आपको कितने मौके मिलेंगे तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, खुद की एक पहचान बनाने के लिए, और फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो पाएंगे 2024 में। जो आपने सोचा है कि भाई ये करना है ज़िंदगी में, जो आपका लक्ष्य है, क्या वो आप 2024 में अचीव कर पाएंगे, तो बिना देर के आइए मयंक शर्मा जी से जानते हैं। सबसे पहले मयंक जी, अल्फाबेटिकली प्रिडिक्शन का आधार क्या है, ये वर्क किस आधार पर करते हैं? देखिए, अल्फाबेटिकली जो प्रेडिक्शन करते हैं वो आपके एक तरीके से, जैसे अब हिंदी नाम हम करते हैं तो उसके नाम के आधार पर जो राशि निकलती है उससे हम ये प्रेडिक्शन करते हैं और ये जज करते हैं कि भाई आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। जिन लोगों के पास अपनी कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि नहीं है, तो वो लोग इस तरीके से हमारे ए टू जेड की सीरीज देखकर अपना आने वाले कल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 2024 में क्या करना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, क्या सावधानियां रखनी है, वो आप ये देखकर फॉलो कर सकते हैं। चलिए मयंक जी, सबसे पहले हम मुझे लगता है पहले एल शुरू करते हैं। एल के बारे में जानना चाहूँगी कि हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, आपको क्या लगता है कि 2024 इनको क्या देकर जाएगा? देखिए, एल और ओ दोनों का इकट्ठे करते हैं कविता जी, क्योंकि दोनों का है जो है मंगल का प्रभाव दोनों के ऊपर। अच्छा, दोनों पे, तो दोनों का सेम ही रहेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दोनों के हिसाब से जो है मेष राशि बनती है, तो दोनों की प्रेडिक्शन हम इकट्ठी वीडियो में कर रहे हैं। हमारे दर्शक जो भी सुने, एल और ओ दोनों का सेम ही प्रेडिक्शन रहेगा। तो शुरुआत पहले हेल्थ से करते हैं। बिल्कुल, हेल्थ से करते हैं। देखिए, एल और ओ अल्फाबेट वालों की सेहत जो है इस वर्ष बहुत ही अच्छी रहेगी। सेहत संबंधी कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी, क्योंकि वर्ष में बृहस्पति देव आप ही की राशि में 1 मई तक रहेंगे, बहुत ही अच्छा। उसके बाद धन भाव में जा रहे हैं तो वो और भी अच्छा है। तो कहना चाहिए सेहत संबंधी कोई परेशानी नहीं है, पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत चल रही थी, कोई भी किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज थे तो वो दूर होने वाले हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन इन दोनों ही अल्फाबेट्स को कुछ महीने बता रहे हैं जिनमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। वर्ष के पहले माह में आपको सबसे ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखना है। जनवरी का मास आपको सेहत के लिए ठीक नहीं कहा जाता है आपकी राशि के अनुसार से। उसके बाद से जून का महीना और अक्टूबर का महीना, इन महीनों में आप अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें तो कोई समस्या नहीं आएगी जी। चलिए, आपने हेल्थ के बारे में बताया, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एल और ओ आगे कितनी तरक्की करेंगे 2024 में जो आपको लगता है? देखिए, 2024 में इनके करियर के लिए बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट करने का समय आ चुका है। यानी कि अब देखें कि जनवरी से लेके अप्रैल और मई तक, 15 मई तक आप किसी भी काम की अगर शुरुआत करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको सेकेंड हाफ में बहुत बढ़िया मिलेगा। मेरी आप लोगों को सलाह है कि इस समय अगर आप जॉब आपको नहीं मिल रही है तो वो जॉब भी मिलेगी नव वर्ष लगते ही। अगर आप ऑलरेडी जॉब में है तो प्रमोशन भी हो सकता है, अगर आपका प्रमोशन ड्यू था। काम कारोबार बिजनेस में ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, बिजनेसमैन लोगों को लाभ मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, नए काम की शुरुआत भी होगी, और आप अपना बिजनेस अगर विदेशों में ले जाना चाहते हैं या दूसरे स्टेट में ले जाना चाहते हैं, अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये समय जो है एकदम उसके लिए परफेक्ट रहेगा। आपको प्रमोशन के योग बन रहे हैं, सेल अच्छी होगी आपके प्रोडक्ट की। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये
इनके लिए एल और ओ के लिए समय काम कारोबार के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली ये आगे कितना अच्छा कर पाएंगे 2024 में, जो लोगों ने सोचा है सेविंग्स को लेकर, जो भी इनकी लिक्विडिटी कैश के आधार पे जो ये सामान खरीदना चाहते हैं, घर गाड़ी सब, क्या लगता है आपको? देखिए अगर घर और गाड़ी की बात करें तो उसके योग तो अभी बने हुए हैं पिछले वर्ष से जी। मतलब ये देखिए कि जैसे 30 अक्टूबर से गुरु राहु का दोष हटा है, वो इनके लिए बड़ा शुभ समय शुरू हो चुका है एल और ओ के लिए। हाँ, अगर ये तुरंत गाड़ी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल जनवरी में भी ले सकते हैं या किसी भी माह में ले लीजिए। घर बुक कराना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय रहता है, तो ये समय आपके लिए परफेक्ट रहेगा। पैसा और आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत रहने वाली है, क्योंकि जैसे ही 1 मई के बाद आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में धन लाभ होगा। गुरुदेव बृहस्पति सुख समृद्धि देंगे आपके घर पे, खुशियाँ रहेंगी, आपके विवाह के भी योग बन रहे हैं इस समय, तो कुल मिलाकर चीज़ें बहुत ही बेहतर रहेंगी। पैसा जो है अब आपका टिकेगा भी, हालांकि आपकी कुंडली में देखा जाए तो राहु जो है वो 12वें भाव में है। 12वां भाव खर्च का भी होता है और यात्रा का भी होता है, थोड़ी चिंता परेशानी की वजह, थोड़ी थोड़ी चिंताएं जरूर बनेंगी, थोड़े खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन वो इतने नहीं होंगे कि आपको डिसअपॉइंट कर दे या आपकी सेविंग्स पे कोई असर डालें या आपको कोई धन हानि हो, तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए धन लाभ कमाने के लिए ये सुनहरा मौका है। आप जो भी कोई नौकरी या बिजनेस करते हैं तो 2024 में खूब दबाकर मेहनत करेंगे तो अच्छा परिणाम आपको निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए आपने तो बता दिया, बस मेहनत इनको करनी है, बाकी उसके परिणाम इनकी मेहनत जो रंग लाएगी इनके जीवन की दिशा दशा को दोनों को बदल के रखने वाली है। मैं जी ऐसे में क्या कुछ उपाय हैं और क्या सलाह आप इन लोगों को देंगे इस बार? देखिए उपाय के तौर पे इनको हमेशा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप डेली करें। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाके आपको क्या करना है, वहाँ शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और यही काम श्रावण मास में अगर रोजाना कर सकें तो और भी अच्छा आपके लिए रहेगा, आपके सौभाग्य के लिए। इसके साथ साथ पीले रंग की कोई भी वस्तु अपने साथ रखें, जैसे हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध कर वो आपको अपने कमरे में अलमारी के अंदर रखनी चाहिए, या आपके जो ऑफिस में जो आप बैग लेके जाते हैं उसके अंदर भी रख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ क्या आपको करना चाहिए इस वर्ष में, देखिए हल्दी या केसर का टीका जरूर लगाना चाहिए, तो जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। तो ये हमने आज मैं जी ये अपने उपाय बताया, मुझे लगता है एक सलाह रह गई है वो भी आप बता दीजिए। देखिए सलाह के तौर पे अगर कुछ बताने वाली बात है तो इस महीने वैसे तो आपका सभी कुछ काफी बेहतर रहेगा, लेकिन फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि राहु जो है वो 12वें भाव में वो अत्यधिक खर्च जरूर करवाते हैं, और जिन व्यक्तियों को राहु की दशा चल रही है तो उनको थोड़ी सी ज्यादा इस समय समस्या रहेगी। बाकी तो और कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, सेहत के लिहाज से ये समय आपका बहुत बढ़िया रहेगा। एक इनका शेयर लव और मैरिज भी शेयर इनका रह गया है जी, संबंधों के मामले में। संबंधों के मामले में बात करें तो इनके लिए देखिए प्रेम संबंध इनके बहुत अच्छे बनेंगे और प्रेम संबंध विवाह में इस साल तब्दील हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो ये समय आपके लिए जो है काफी शानदार रहने वाला है। तो यहाँ कुल मिलाकर आपके लिए सभी चीजें प्लस प्लस में नजर आ रही है जी। बस थोड़ा सा फिजूल खर्ची नहीं करनी है और आपको कभी कभी गुस्सा बहुत अधिक आता है तो वाणी पर थोड़ा संयम रखना चाहिए तो आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। तो ये मैंने मैं जिससे जाना है कि अल्फाबेटिकली यानी कि अक्षर नाम से जिनका एल से और जिनका ओ से नाम शुरू होता है उनके लिए 2024 कितना यादगार साबित होगा, कैसा रहेगा ओवरऑल। मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।